हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार करते हैं नए दिन की नई शुरुआत। दो दोस्तों हम लोग हैं, बढ़िया। आप लोग हैं कैसे? हम लोग हैं बढ़िया। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं वृक्षारोपण में। होना था कल वृक्षारोपण, तो कल हरेला त्यौहार था, सब बिजी होने के कारण हम लोग वृक्षारोपण में नहीं गए। आज का जो वृक्षारोपण हो रहा है वो है हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर के द्वारा। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पे। एक सेकंड रुको, तो मोर मिसिंग आ रही है हमारी दीदी, दीदी जी भी आ रही है, निमा दीदी हमारी, और हमारी भाभी हैं, चंचला भाभी भी हैं हमारी, और हम लोग सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे। ये पर्यावरण संरक्षण के उपलक्ष्य में हाथ में देखो, हमने ये संकल्प लिया, आयुर्वेदिक पौधे हैं हमारे पास, हम उनको लगाएंगे। ग्रीन टी है, क्योंकि चाय से आजकल पता है सबको, सभी भाई बहन इससे अवगत हैं कि गैस बनती है इससे। ये ग्रीन टी है और ये एलोवेरा है और ये तुलसी, इसको हम रोपण करने जा रहे हैं अभी। तो आपको दिखाते हैं हम यहाँ से कितने लोग बनते हैं साथ में, और जाना है हमें मनसा मैया के मंदिर में। तो चलते हैं, शायद हमें लेट भी हो जाएगी सर, क्योंकि हम सब जगह लेट ही पहुँचते हैं, घर का काम ही नहीं पड़ता है हमारा। फटाफट दौड़ लगाते हैं लगाने को। तो हम लोग जा रहे हैं, ये दीदी आ रही पीछे से, और एक दीदी और आ रही है हमारी, आओ दीदी, और ये आगे हमारी मंजू दीदी, उदी भला सुभा की, और ये हमारे दीदी, मेरी ननद, सॉरी मेरी दीदी की मतलब ननद है, ननद है, एक जिठानी है, एक ननद है, आगे वाली हमारी भाभी है। चलो भाभी, हाँ यार छाता लेके आए हैं, बहुत गर्मी है। चलो, हाँ हाय तनी दे रहा, ये देखो दोस्तों हमने दौड़ लगा रखी है भयंकर वाली, को और दांत में पीड़ा उन्हें, हाँ कितना ऊन खुआसी भाई, तो दांत में किसी के दांत में दर्द, किसी के पेट में दर्द हो रही है। हमने कहा हम तो जाके आते हैं, भाभी का हमारा ऑपरेशन हुआ है, पुण्य का काम, तो भाभी ने, मैंने कहा इनका हो रहा है गॉल ब्लैडर ना, गॉल ब्लैडर का हो रखा है, हमारा भी दौड़ लगाई हमारी भाभी ने, योगदान रहे, क्योंकि पेड़ ये वृक्ष नहीं, हमारी सांसें हैं, सांसें हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते, जी नहीं सकते हैं। तो ये संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक हम वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक बच्चों के जन्मदिन पर, एक पौधा जरूर लगाए, पर हर एक हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार हैं उनमें हम विद्यालयों में वृक्ष लगाते हैं, और यही संकल्प हमारा रहेगा, आगे भी बना रहेगा। भारत माता की जय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मनसा मैया के मंदिर के चरणों में, ऊपर टॉप में मंदिर है, हम लोग जा रहे हैं, नीचे से ही पेड़ लगने शुरू हो गए, शायद डीएम महोदय वो लोग आ गए, हम लोगों को लेट हो गया, कोई नहीं। ये देखिए एक पेड़ लगा भी दिए हैं, कितने हैं वृक्ष, ये देखिए ऊपर देखिए आप, ये देखिए लोग आए हुए हैं, निकालनी भी है वो, ये कूरी की झाड़ निकाल के रख दे रहे, नीचे जाने से ना सड़क में सकेंगे। काफी लोग आए, काफी लोग आए वृक्ष लगाने के लिए, वृक्ष प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी। चलो चलो, भाभी लोग थोड़ा पीछे हैं क्योंकि उनको थोड़ा दिक्कत होती है चलने में, तो फिर भी आए हैं। तो
पैसे नमामि गंगे। ऊपर ग्रुप ले देने यार पूरा। तो कोई नमामि गंगे की ओर से है, कोई अलग अलग ग्रुप बने हुए। तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। ये देखिए सांस भी फूल रही, आवाज भी नहीं आ रही। चप्पल नहीं जा रही क्या? मैम है यहाँ के, अभी नहीं पद भाग ग्रहण कर रखा है इन्होंने हवागेश्वर में। हाँ ये तो है मैम, चढ़ाई में है ये मंदिर। तो मैम कह रही काफी डेंजरस घूमे हैं हमारे भाई मैम का स्वागत करते हुए अपने हथियार को पकड़ो मैम निष्कास चलो यहाँ डी मैम बागेश्वर डी एम बागेश्वर है चलो चलो हाँ लगा रहे हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का, और ये शक्ति भी है क्योंकि जब पेड़ है तो तभी हम हैं। बिना पेड़ों के कुछ भी नहीं है, जो शुद्ध वातावरण है। हम तो पहाड़ में रहते हैं फिर भी काफ़ी अच्छा है, जो लोग बाहर को रहते हैं। हेलो हेलो, तो ये मिली है मुझे अपनी बचपन की दोस्त, मतलब हम लोग ने साथ पढ़ा है, और क्या कहते हैं जो हमारे और दोस्त हैं वो भी हमें याद करते हैं। जो भी हमको देखेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हम तो दो मिल चुके हैं, और जो भी दोस्त हैं सब मिलने की कोशिश कीजिएगा। हमने लगा दिए हैं अपने वाले वृक्ष, ये हमने भाभी की चीज का ग्रीनरी लगा रखी है हमने, और हम लोग आते हैं हर भजनों में। यहाँ तुलसी लगाई है, तुलसी मैया लगाई है हमने, ग्रीन टी मनसा माता के प्रांगण में आ जाए हैं। आ जाए हैं माता रानी, तो वैसे माँ तो सबकी माँ होती है, पर अगर हरियाली यहाँ पे रहेगी तो माँ सबके घरों में हरियाली रहेगी। ऐसे हम हर राष्ट्रीय पर्व और नवरात्रियों में यहाँ पर आने पे यहाँ पर आपको प्याजों को दिखाते रहेंगे, जो पौधा हमने लगाया है वो कैसा होता है, कैसा होता है। तो चलिए बने रहिए, संकल्प हमारा आगे भी रहेगा। मैं अपने अपने घरों से सब लोग वृक्ष लगा रहे हैं मनसा माँ के प्रांगण में। वो जो आज वहाँ जो वृक्ष लगाए जाएंगे तो देखी जाएगी फल जाके हमारे तो पता नहीं मरे मन से करते कैसे दे दिए कोई छोटा है कोई छोटा नहीं आराम से आराम से। अनुष्का हाँ बड़ा पेड़ तो मिला ही नहीं का पेड़ ये हमारे राजन दद्दा ये लगा रहे हैं पेड़ गद्दू लगाओ के लगाओ घरे पानी डालो आप लगा रहे ये है हमारे खेतवाल जी और ये हमारे दद्दा खेतवाल जी हमारे बागेश्वर के। नगर पालिका अध्यक्ष हैं तो भाभी ने लगा दिया ना, सॉरी दीदी ने लगा दिया था बड़ा वृक्ष। पानी डाल दो, डालो पानी डालो चलो। ये दादा है, ये तो सदा वृक्ष प्रेमी है। बचाओ आओ तो चलो, और दीदी लोग भी पेड़ लगाते हुए। ये हमारी दोस्त हैं पूनम जोशी जी, और ये हमारी दीदी हैं मंजू दीदी, और बगल में हमारी चंद्रा भाभी हैं मतलब चंचला भाभी, और फोटो खींचते हुए हमारी नीमा भाभी दीदी। तो दोस्तों हम रहते हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों की महिलाओं का जीवन देखिए। आगे से हमारी बहन जा रही है घास का गड्ढा लेके हुए, देखिए घास काट के लाए हैं।
और ये हमारे शंकु है, कहाँ लगाया पेड़? अपने मांगे में लगाया। तो इसको अपनी मांगे क्यों हो रही है? हमने तो अपना वो करना है। क्या करना है? हाँ हाँ, कहीं भी लगाओ लगाओ। पानी भी डालना उसमें समय समय पर, उसको जीवित रखना। कौन सा? वो हमारा टकनी है। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, उसको जा रहा हूँ। चल चल। तो दोस्तों हम तो आ गए हैं वृक्ष लगा के, तो भाभी जी और हमारे दो दीदियाँ हैं। तो दीदी कैसा लगा? घर में रह गई, मिल गया रहे। घर का काम तो हमारा रोज ही लगा रहता है। घर के काम से क्या प्रयोजन? तो थोड़ा सोना तो जिंदगी जिंदगी भर का है। अगर हम नेक काम करते हैं तो उसमें हमें शक्ति मिलती है। भले ही हम गृहणियां हैं पर हमारा जीवन टफ है, पर फिर भी हमें सब जगह जाना बहुत जरूरी है। विचारधाराएं ऐसी हैं, अभी हमें समाज के लिए कुछ करें, समाज सेवा करें, समाज के लिए कुछ करेंगे। हाँ, अभी वो है विचार है कि मतलब हम कुछ करें, भले कुछ कर भी नहीं सके, जहाँ जो जाता है जो चीज होती है वहाँ हम सम्मिलित जरूर हो, है ना। तो दोस्तों हमारा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा। ये है पर्यावरण पे, और हाँ होना कल था पर कल त्योहार की वजह से, हरेली की वजह से नहीं हो पाया सुबह जो रहता था, क्योंकि सब महिलाएं बिजी रहती थी। इसीलिए नमामि गंगे और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की तरफ से जो आज वृक्षारोपण हुआ था उसमें हम भी शामिल हुए थे। मतलब मेरे मोहल्ले के हम चार जने थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ डीएम महोदय भी आई थी और हमारे अध्यक्ष महोदय भी थे, तो अच्छा लगा। काफ़ी लोग थे अलग अलग ग्रुप के, बहुत अच्छे थे, पर अच्छा लगा क्योंकि समाज में जाना ही सबसे अच्छी बात है, सबसे मिलजुल जाते हैं। तो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।